हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देखकर हैरान मत होइए। पापा सच में हमें छोड़कर पहाड़ चले गए हैं, हमेशा के लिए नहीं पर कुछ दिनों के लिए। आखिर उन्हें दिल्ली आजकल पसंद क्यों नहीं आ रही? आखिर उन्होंने क्यों दिल्ली से ब्रेक लेने का फैसला लिया? अगर इसकी वजह आप लोग भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे और फिर शायद आपको पापा का दिल्ली छोड़कर पहाड़ जाने का फैसला सही लगे। पापा घर क्यों गए, ये बताने से पहले मैं आपको अपने गांव के वो नज़ारे दिखाना चाहूंगी जहां वो गए हैं। सामने हिमालय की चोटियां, चीड़ और देवदार के हरे भरे और ऊंचे ऊंचे पेड़, और यही पापा गए हैं। एक बार उन्हीं से सुन लेते हैं कि यहां आकर वो क्या कर रहे हैं। मैं जब भी घर आता हूं, यानी जाजर देवल, तो मॉर्निंग वॉक करने में जाजर देवल से मड़भवन तक आता हूं। जाजर देवल से मड़भवन करीब 3 किलोमीटर दूर है, यानी 3 किलोमीटर आना और 3 किलोमीटर जाना। तब रोड के किनारे किनारे ट्रैफिक भी बहुत कम है और आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है। सामने चीड़ और देवदार के पेड़ और उनके बीच से झांकता सूरज, तब मज़ा ही आ जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप सामने देखेंगे, वो सामने देखिए, तो आपको हिमालयन रेंज दिखाई देगी पूरी। और वो जो आपके सामने है वो पंचचूली की चोटियाँ हैं। पंचचूली यानी वो जगह जहाँ से माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग को गमन किया था। 5 चोटियाँ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, मतलब ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। पांडव तो पंचचूली के रास्ते स्वर्ग गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक्सरसाइज करने के ही स्वर्ग वाला मज़ा मिलता है। आवाज़ पर मत जाइए, सबकी आवाज़ मैं समय हूँ वाले हरीश भिमानी या फिर दिल्ली मेट्रो में अनाउंसमेंट करने वाले शम्मी नारंग जैसी अच्छी नहीं होती। कुछ की आवाज़ मेरे पापा जैसी भी होती है। चलिए, आपने ये तो देख लिया कि पापा वहाँ क्या मज़े कर रहे हैं। अब आपको वो वजह भी बता देती हूँ जिसकी वजह से वो दिल्ली छोड़कर पहाड़ गए हैं। इस 2 विंडो को देखिए, बाई तरफ आपको दिल्ली की हवा और पानी दिख रही होगी जिसमें जहर खुला है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और दूसरी तरफ पहाड़ों की शुद्ध हवा हिमालय की बर्फीली वादियों से आती और इन चीड़ देवदार के पेड़ों को चूमती प्राणदायिनी हवा। तो दिल्ली के इसी जहरीले मौसम से बचने के लिए पापा इन दिनों घर गए हुए हैं। वैसे बात तो सही है, आजकल दिल्ली NCR में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया। ऐसे में जिनके लिए संभव है उन्हें दिल्ली से बाहर चले ही जाना चाहिए। आपको याद होगा फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी ने काजोल से कहा था कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे ही मैं भी अपने पापा से कहूंगी कि जाओ पापा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। और अब मैं आपको पहाड़ों का आंखों देखा हाल उन्हीं के जरिए दिखाती हूँ। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर आपको दिल्ली में मॉर्निंग वॉक करनी है या जॉगिंग करनी है तो आपको करीब सुबह 10 से 11 बजे के बीच में निकलना पड़ता है। अगर आप उससे पहले निकल गए तो इतना सारा पॉल्यूशन होता है, तो अगर आप जॉगिंग करेंगे या अनुलोम विलोम करेंगे तो हवा के साथ जहर आपके अंदर जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी अनुलोम विलोम कर रहा था और फिलहाल ब्रेक लिया है अनुलोम विलोम से, और ये ठीक मेरे सामने का नज़ारा है। मतलब इतने हरे भरे पेड़, सामने हिमालय और उसके अलावा भी और कई सारे पहाड़। ये सामने असुरचुला का डाणा है, डाणा यानी पहाड़। और एक बार कैमरा घुमाता हूँ और ये देखिए पूरी हिमालयन रेंज दिख रही होगी आपको। और वो जो साइड में एक और चोटी दिख रही है वो ध्वज मंदिर है। मतलब समझ लीजिए जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके सामने का ये नज़ारा है। अब आप ही कहिए, अगर यहाँ रहने वालों की उम्र नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी? दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में पूरी ज़िंदगी गुजारी है अगर आपने, तो आपकी ज़िंदगी के 5 से 10 साल कम हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर रहेंगे जहाँ पर फ़िलहाल मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, तो आपकी उम्र लंबी जरूर होगी। और देखिए कितनी शांति मिल रही है, बिल्कुल इतने हरे भरे पेड़, गाड़ियों का भी शोर कम है, इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं। ये देखिए बिल्कुल रोड बिल्कुल खाली है। और ये रहे पेड़ चीड़ और देवदार के। अब बताइए आप भी यहीं आके एक्सरसाइज करना चाहेंगे कि नहीं? बॉलीवुड का एक फेमस गाना है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर इसी गाने को थोड़ा ट्विस्ट करें तो कहा जा सकता है कि
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं साफ हवा तो कहीं रोजगार नहीं मिलता। ये बात सही है कि दिल्ली का मौसम पहाड़ और उत्तराखंड जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हवा तो साफ थोड़ी हो ही सकती है ना। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।